स्वागत है आपका काइट्स क्लासेस के एमसीक्यू सेशन में। आज मैं आपके लिए क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एमसीक्यू सेशन लाया हूं। आपके सामने एक सवाल आएगा जिसके चार ऑप्शंस होंगे। आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा सही जवाब देने के लिए। देखते हैं आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। आपका एमसीक्यू टेस्ट स्टार्ट होता है अब। व्हाट इज द लिमिट ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम? ए 2, बी 7, सी 10 या डी 50? का सही आंसर है डी 50। द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड। कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, उन पार्ट्स को क्या क्या कहते हैं? ए शेयर, बी डिविडेंड, सी प्रॉफिट या डी इंटरेस्ट। का सही आंसर है ए शेयर। शेयर कंपनी के छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप का इनमें से कौन सा एक एडवांटेज है, कौन सा एक फायदा है? ए इजी ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, बी बीइंग योर ओन बॉस, सी प्राइड ऑफ ओनरशिप या डी ऑल ऑफ दी। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑल ऑफ दीज। सोल प्रोप्राइटरशिप में सारे फायदे हैं, जैसे कि इसको स्टार्ट करना भी आसान है, हम खुद के बिजनेस के बॉस होते हैं और ओनरशिप का भी एक हमें प्राइड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रेफर टू, यानी कि किस में कौन से बिजनेस में हमें अपना प्रॉफिट को शेयर नहीं करना पड़ता है? ए कंपनी, बी सोल प्रोप्राइटरशिप, सी ज्वाइंट हिंदू फैमिली या डी पार्टनरशिप। इसका सही आंसर है बी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हैं और हमें इसको प्रॉफिट को किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। द कर्ता इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसमें कर्ता को क्या होता है? चार ऑप्शन है। नंबर ए नो लाइबिलिटी फॉर डेप्ट, यानी कर्ज के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। बी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सी ज्वाइंट लाइबिलिटी या डी लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका सही आंसर है डी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता के ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटी होती है, बाकी मेंबर्स से उतनी लाइबिलिटी नहीं होती है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज, बिजनेस का सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा है, सबसे आसान तरीका कौन सा है? ए प्रोप्राइटरशिप, बी पार्टनरशिप, सी कॉरपोरेशन या डी कोऑपरेटिव। का सही आंसर है ए प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे सिंपल तरीका है, इसको फॉर्म करने के लिए हमें ज्यादा फॉर्मेलिटी की भी जरूरत नहीं होती है।
द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ब्लैंक, यानी कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का जो लाइफ होता है वो कैसा होता है। ए अनस्टेबल, बी स्टेबल, सी वेरी शॉर्ट लाइफ या डी लॉन्ग लाइफ। इसका सही आंसर है ए अनस्टेबल, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप का ये एक देखा जाए तो डीमेरिट भी है, ड्रॉबैक भी है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही मालिक होता है और इसकी लाइफ अनस्टेबल होती है, अपने मालिक के लाइफ के साथ साथ ही डिपेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर लॉ इज कॉल्ड, यानी वैसा सिस्टम जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं नियम के अनुसार, वो कौन सा स्ट्रक्चर है। नंबर ए कंपनी, नंबर बी ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नंबर सी पार्टनरशिप या नंबर डी सोल प्रोप्राइटरशिप। के अनुसार इसका सही आंसर है ए कंपनी। लॉ कहता है कि कंपनी का मैनेजर और कंपनी का ओनर अलग अलग होते हैं। अ ब्लैंक प्रोवाइड फॉर द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी, किस बिजनेस में सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी होती है, यानी कि कौन सा बिजनेस लंबा चलता है। ए जनरल पार्टनरशिप, बी ज्वाइंट वेंचर, सी कंपनी या डी सोल प्रोप्राइटरशिप। का सही आंसर है सी कंपनी। कंपनी चलते रहता है, इसकी कंटिन्यूटी लंबी होती है, अगर इसके ओनर की डेथ भी हो जाती है तो दूसरा ओनर होता है और कंटिन्यू रखता है, जबकि बाकी बिजनेस में जैसे पार्टनरशिप में या जॉइंट वेंचर में या सोल प्रोप्राइटरशिप में इतना लंबा कंटिन्यूटी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ डेथ रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, इनमें से किसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, जरूरी है। नंबर ए सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर बी पार्टनरशिप, नंबर सी नन ऑफ दीज या डी कंपनी। तो इसका भी सही आंसर है डी कंपनी। कंपनी के शुरुआत के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदू सक्सेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब पास हुआ था। ए 1952, बी 1960, सी 1932 या डी 1956। इसका सही आंसर है डी 1956। द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हेड को क्या कहते हैं। ए मैनेजर, बी प्रोप्राइटर, सी कर्ता या डी डायरेक्टर। का सही आंसर है सी कर्ता। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, किनके द्वारा चुने जाते हैं। नंबर ए जनरल पब्लिक, नंबर बी गवर्नमेंट बॉडीज, नंबर सी शेयर होल्डर या नंबर डी एम्प्लॉयज। का सही आंसर है सी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। अ प्रॉस्पेक्टस इज इशूड बाय, प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, ये इनमें से कौन इशू करता है। ए पब्लिक कंपनी, बी प्राइवेट कंपनी, सी स्टेटवरी कॉर्पोरेशन
या डी डिपार्टमेंटल अंडर टेकिंग। इसका सही आंसर है ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है जब उनको मार्केट में शेयर्स इशू करना होता है। एटलीस्ट 10 एडल्ट्स नो मैक्सिमम लिमिट्स इन केस ऑफ, यानी कि कम से कम 10 एडल्ट और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, ऐसा किस में सूट करता है, किस टाइप ऑफ बिजनेस में? ए जॉइंट हिंदू फैमिली, बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सी कंपनी या डी पार्टनरशिप। इसका सही आंसर है बी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा का कोई लिमिट नहीं होता है। डैश कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल, इनमें से कौन सी कंपनी पब्लिक से आम जनता से शेयर्स इशू नहीं कर सकती है और पैसे नहीं ले सकती है? नंबर ए बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, नंबर बी पब्लिक कंपनी, नंबर सी प्राइवेट कंपनी या डी नन ऑफ दी। इसका सही आंसर है सी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से शेयर इशू नहीं कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following statement is not true about a minor partner? Minor partner को लेके इनमें से कौन सी statement true नहीं है, सही नहीं है? Number A, he has to bear losses also, यानी कि उसे loss भी झेलना पड़ता है। Number B, he can inspect books of accounts. Number C, he has an option to continue with a firm even after attaining majority, यानी कि जब वो 18 साल गेन कर लेगा तो वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है, ये चॉइस उसके पास होती है। या नंबर डी ही शेयर्स ओनली प्रॉफिट, कि वो सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करता है। इसका सही आंसर है ए ही हैज टू बेयर लॉसेस आल्सो, यानी कि उसे लॉस भी बेयर करना होता है, ये ऑप्शन गलत है। माइनर पार्टनर को सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, अगर बिजनेस को कोई लॉस हुआ है तो उसे कुछ भी नहीं देना होता है। नेक्स्ट है अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड, यानी वैसा पार्टनर जो बिजनेस में तो है लेकिन आम इंसान को, आम पब्लिक को ये सारी बातें नहीं पता है, ये कैसा पार्टनर है? ए एक्टिव पार्टनर, बी स्लीपिंग पार्टनर, सी नॉमिनल पार्टनर या डी सीक्रेट पार्टनर। सही आंसर है डी सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वैसा पार्टनर होता है जो रियल में तो पार्टनर है लेकिन आम पब्लिक को ये बात नहीं पता होती है। नेक्स्ट है द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द लार्जेस्ट सेल्स वॉल्यूम इज द, यानी कि ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जिसकी सबसे ज्यादा सेल वॉल्यूम होती है, जो सबसे ज्यादा सेल करता है, बिक्री करता है। नंबर ए पार्टनरशिप, नंबर बी कॉरपोरेशन, नंबर सी कोऑपरेटिव या नंबर डी मल्टीनेशनल। इसका सही आंसर है डी मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल कंपनी वैसी कंपनी होती है जिनका ब्रांच पूरी दुनिया में होता है और ये सबसे ज्यादा सेल करती है, जैसे कि पेप्सी, कोको कोला, मैकडोनल्ड, केएफसी एक्सेट्रा, इनके ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में होते हैं, हर जगह इनके सामान बिकते हैं और ये
एक किसी भी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा इनका सेल वॉल्यूम होता है।